द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। क्या है डेरे का फैक्ट, क्या है डेरे का सच, डेरा सच्चा सौदा से जानते हैं, डेरा सच्चा सौदा के श्रद्धालुओं से जानते हैं। नमस्ते मैम, आपका नाम? सुखविंदर कौर जी। सुखविंदर जी, कितना टाइम से डेरे में आ रही हैं? हमारे को 25-26 साल हो चुके हैं, ज़्यादा ही हो चुके हैं। हमारे बुजुर्ग बचपन से जुड़े हुए हैं, आज 70 साल हो चले हमारे बुजुर्गों को आते को। यौन सच्चा परम पिता जी के टाइम पर ही हमारा परिवार जुड़ा हुआ है। इतने टाइम से डेरे में आ रही हैं, क्या मिलता है आपको डेरे में? हमारे को जितना कुछ यहाँ से मिल रहा कहाँ भी नहीं मिला, बहुत कुछ मिल रहा है। पिताजी सब कुछ ही दे रहे हैं हमारे बच्चों को, इतने बच्चों को नशा चढ़ाया है, हम उसका देना दे ही नहीं सकते। इतने निक्के निक्के बच्चे नशे में लगे रुके चुके हुए हैं, हमारे बच्चे इतनी सेवा करते हैं, इतना तमन्ना है उनके दिल में भी डेरे चलें। बहुत कुछ मिलता है यहाँ पर, हमारे बच्चे इतने सुधरे हुए हैं, हर एक काम से बचे हुए हैं। हमारे को तो पिताजी ने इतना इतना माँ बाप भी नहीं समझाते जितना हमारे को हमारे पिताजी ने समझा रखा है। फिर गुरुजी के ऊपर मीडिया ने इतने आरोप लगाए, उसके बारे में क्या कहेंगे? सरकार को सोचने चाहिए भी, आपके इतना कर्म के बावजूद भी दुनिया बहुत आ रही है, उनके मनों में खुबे पड़े हैं, डेरा खुबा है उनके मन में, तो ये कितना भी जोर लगाएंगे पर तो कितना क्या करेंगे हा? प्रेम किसी के अंदर से थोड़ा न तोड़ सकते हैं, इनको होना चाहिए भी इतना काम भलाई के कर रहे हैं हा? फौजियों को खून पचा रहे हैं, आँखों को आँखें दान कर रहे हैं हैं, किडनियाँ दान कर रहे हैं, इतना कुछ कर रहे हैं, कपड़ा बांट रहे हैं, फिर खाने को लोगों को भूखों प्यासों को दे रहे हैं, तो इससे ऊपर क्या होगा? इससे ऊपर कुछ नहीं होगा। जो इतने मानता भलाई के काम कर रहे हैं फिर भी इनको नहीं तीसरा दिखेगा कब, इनको सोचना चाहिए भी, सोचो थोड़ा बहुत। अभी एक तो ऐसा है वो पास एक छीन रहा है आदमी से चीज़ें जो भी हैं, जो कुछ होता है उसको काट वाट कर फेंक रहे हैं, तो और एक भलाई कर रहा है हैं, इतना क्यों कर रहे हैं, क्यों डेरे से इतना बरखलाप कर रहे हैं, सोचना चाहिए कुछ ना कुछ। गुफा क्या है, गुफा के बारे में इतना मीडिया ने बताया? गुफा में क्या, गुफा में पिताजी के कपड़े हैं और पिताजी रहते हैं, घर में भी आप रहते हैं, घर ही है एक साहब का, आपका घर है उनका, वो है तो कमरा ही, उसको गुफा बोल दिया, आप सिमरन करते हैं बेचारे, आपका वहाँ रहने का उनका संबंध है और कुछ भी नहीं है। हम बचपन से ही इतना माँ बाप हमारे से विश्वास नहीं करते घर बैठे पर, जितना हमारे को 10-10 दिन डेरे में छोड़ देते रहे, अभी भी हमारे बच्चे सेवा कर रहे हैं, 10-10, 15-15 दिन लड़कियाँ छोड़ देते हैं, कौन छोड़ता है जी ऐसा काम होए, कौन बच्चियों को छोड़ता है? हमारी आज बच्चियों को 15 दिन हो गए आयों को, कितनी सेवा कर रहे हैं, 8-8 महीने महीने की, 10-10 दिन की, हमारे को इतना फिक्र नहीं है, हमारे बच्चे वहाँ पर है, कोई उनका फिक्र करें भी जाएँ मगर पीछे क्या कर रहे हैं बच्चे, हमको पता भी वहाँ पर हमारा बच्चों की सेफ्टी है, बिल्कुल भी हमारे बच्चे सुधरेंगे बिगड़ेंगे नहीं, बेटी बेटे हमारे इतने सुधरे हुए हैं बहुत ज़्यादा, तो लोगों में देखो जाके छोटी छोटी बच्ची शादी कराई जा रही हैं हैं, क्या काम हो रहा है, क्या कोई इधर भागी फिरती कोई इधर, हमारे को इतना पिताजी ने समझाया बच्चों को भी हमारे को भी, तो इतना बच्चे समझदार हैं कि हम पिताजी का देना दे ही नहीं सकते। समाज को जरूरत है आपके गुरुजी की? हाँ जी, हमारे समाज को जरूरत है आपके गुरुजी की? पिताजी की तो पल पल में जरूरत है, पल पल में जरूरत है, जल्दी से जल्दी पिताजी आए तो हम खुशियों से ऐसे बहुत ही हमारा तो आत्मा दुख हो रहा है भी, आते हैं डेरे में पिताजी के दर्शन करने के लिए, तो जहाँ पिताजी नहीं मिलते तो आत्मा दुख होती है। सरकार को क्या अपील करें? सरकार को हाथ जोड़ के बेनती है भी ये आपका फैसला उन्होंने वापस लेना चाहिए, गुरुजी को भेजना चाहिए उनको। धन्यवाद मैम, डेरा सच्चा सौदा के फॉलोवर्स की एक ही राय है, हमारे गुरुजी को जल्दी से जल्दी रिहा करें, जुड़े रहिए चैनल के साथ।